जनपद बदायूं में ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष बबलू कुमार के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए ग्राम चौकीदारों को नियमित वेतन वृद्धि, राज्य कर्मचारी का दर्जा और पुलिस रेगुलेशन के अनुसार थाना हाजिरी और मृतक के आश्रितों को रिक्त पदों पर नियुक्ति सहित 5 सूत्रीय मांग की गई। वहीं 28 जनवरी को लखनऊ के कालिदास मार्ग पर ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी का होने जा रहा धरना प्रदर्शन, जिसमें मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए बसौली के एसडीएम ज्योति शर्मा के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारा जो वेतन है 2500 रुपये में, तो इसमें हमारा कोई गुजारा नहीं होता है। सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम हमारी जो आज की ट्रेन मजदूरी चल रही है वो हमें वेतन दिया जाए और चतुर्थ श्रेणी का हमें दर्जा दिया जाए, और जो हमारे पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से काम है वो हमसे काम दिया जाए, जो हमारा सूचना देने का काम वो काम दिया जाए, अन्य काम है वो हमसे नाम नहीं लिए जाए। सरकार से हम यही मांग करते हैं। और जितने हमारे सब चौकीदार हैं, हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिओम कठारिया हैं, सूर्य पासवान सर हैं, नखलऊ से 27 तारीख को हमारा नखलऊ जाएंगे, 28 तारीख को हमारा धरना वहाँ पे है।